हरे कृष्णा, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज का मेरा वीडियो है 2022 में अक्षय तृतीया कब है। अक्षय तृतीया कब है जानिए इसका शुभ मुहूर्त, अक्षय तृतीया का व्रत व पूजन विधि, अक्षय तृतीया की व्रत कथा, अक्षय तृतीया का महत्व, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। साथ ही फ्रेंड्स, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन में ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे मैं ऐसी वीडियो लाती रहूँगी तो आप तक पहुँच सके। और राधे कृष्णा ज़रूर बोलिएगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। अक्षय तृतीया 3 मई 2022 मंगलवार के दिन पड़ने वाली है। कब है? 3 मई 2022 मंगलवार के दिन अक्षय तृतीया पड़ने वाली है। वैशाख शुक्ल तृतीया को अक्षय तृतीया या आखा तीज कहते हैं। ये सनातन धर्मियों का प्रधान त्यौहार है। इस दिन दिए हुए दान और किए हुए स्नान, यज्ञ, जप आदि सभी कर्मों का फल अनंत और अक्षय होता है। इसीलिए इस त्यौहार का नाम अक्षय तृतीया रखा गया है। अक्षय तृतीया का मुहूर्त वैशाख मास में कृष्ण शुक्ल पक्ष की तृतीया अगर दिन में पूर्वाह्न में हो तो उस दिन यह त्यौहार मनाया जाता है। यह तृतीया तिथि लगातार 2 दिन पूर्वान में रहे तो अगले दिन यह पर्व मनाया जाता है। हालांकि कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि यह पर्व अगले दिन तभी मनाया जाएगा जब यह तिथि सूर्योदय से 3 मुहूर्त तक या इससे अधिक समय तक रहे। तृतीय तिथि में यदि सोमवार या बुधवार के साथ रोहिणी नक्षत्र भी पड़ जाए तो बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। तृतीय तिथि पूजन व पूजन विधि। इस दिन व्रत करने वाले को चाहिए कि वे सुबह स्नादि से शुद्ध होकर पीले वस्त्र धारण करें। अपने घर के मंदिर में विष्णु जी को गंगा जल से शुद्ध करके तुलसी, पीले फूलों की माला या पीले पुष्प अर्पित करें। फिर धूप, अगरबत्ती, ज्योति जलाकर पीले आसन पर बैठकर विष्णु जी से संबंधित पाठ पढ़ने के बाद अंत में विष्णु जी की आरती करें। साथ ही इस दिन विष्णु जी के नाम से गरीबों को खिलाना या देना अत्यंत पुण्य फलदायी होता है। अगर आप व्रत रखना संभव नहीं है यदि आप किसी भी कारणवश आप व्रत नहीं रख पा रहे हैं तो पीला मीठा या पीला हलवा, केला, पीले मीठे चावल बनाकर खा सकते हैं। इससे भी आपका व्रत मान्य हो जाएगा। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन नर नारायण, परशुराम व हरग्रीव अवतार हुए थे। इसीलिए मान्यता अनुसार कुछ लोग नर नारायण, परशुराम या हरग्रीव जीव के लिए जौ या गेहूं या सत्तू, कोमल ककड़ी व भींगे चने की दाल भोग के रूप में अर्पित करते हैं। अक्षय तृतीया की कथा। हिंदू पुराणों के अनुसार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण के अक्षय तृतीया का महत्व जानने के लिए अपनी इच्छा व्यक्त की थी। तब भगवान श्री कृष्ण ने उनको बताया कि यह परम पुण्यमयी तिथि, इस दिन दोपहर से पूर्ण स्नान, जप तप, यज्ञ, स्वस्थ, पित तर्पण और दानादि करने वाला व्यक्ति अक्षय पुण्य फल का भागीदारी होता है। प्राचीन काल में एक गरीब सदाचारी तथा देवताओं में श्रद्धा रखने वाला वैश्य रहता था। वह गरीब होने के कारण वहां व्याकुल रहता था। उसे किसी ने इस व्रत को करने की सलाह दी। उसने इस व्रत के आने पर गंगा में स्नान कर विधि पूर्वक देवी देवताओं की पूजा की व दान दिया। वह यही वैश्य अगले जन्म में कुशावती का राजा बना। तृतीया अक्षय तृतीया को पूजा व दान के प्रभाव से वह बहुत धनी तथा प्रतापी बना। यह सब अक्षय तृतीया का ही पूर्ण प्रभाव था। अक्षय तृतीया का महत्व। अक्षय तृतीया का दिन साल में उन 3.5 मुहूर्त में से एक है जो शुभ माने जाते हैं। इस दिन अधिकांश शुभ कार्य किए जाते हैं। इस दिन गंगा स्नान करने का भी बड़ा भारी महत्व बताया गया है। जो व्यक्ति इस दिन गंगा स्नान करता है वह निश्चय ही सारे पापों से मुक्त हो जाता है। इस दिन पितृ श्राद्ध करने का भी विधान है। जो गेहूं, चने, सत्तू, दही, चावल, दूध से बने पदार्थ आदि सामग्री का दान अपने पितरों के नाम से करके
किसी ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। इस दिन किसी तीर्थ स्थान पर अपने पितरों के नाम से श्राद्ध व तर्पण करना बहुत शुभ होता है। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि सोना खरीदना इस दिन शुभ होता है। इसी तिथि को परशुराम या हयग्रीव अवतार हुए थे। त्रेता युग का प्रारंभ भी इसी तिथि को हुआ था। इस दिन श्री बद्रीनाथ जी के पट खुलते हैं। इन्हीं सब कारणों से इस त्यौहार को बड़ा पवित्र और महान फल देने वाला बताया गया है। आशा करते हैं कि आप ये जानकारी के माध्यम से अक्षय तृतीया के त्यौहार का भरपूर आनंद ले पाएंगे। आपको अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सो फ्रेंड्स, यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।